तो देखे भी देखे नहीं हो इसके तो 50 तो नहीं ले भेज दिए होंगे कितने दिन से परेशानी चल रही है ये तो पिछले 5 साल से परेशानी है कि कांग्रेस ने बढ़ाई थी अपने टाइम में उस टाइम लेवल देख कर उसके बाद ये बड़ी सड़क बनी है और उसके बाद ये परेशानी है चार एक छोटी बारिश हो जाएगी तो घरों में पानी घुस जाता है। सरपंच ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा ना सरपंच ने सोचा ना किसी और ने सोचा और ये सरकार तो सोचने वाली है नहीं क्योंकि ये बस्ती गरीबों की है गरीबों के बारे में कौन सोचेगा अदरवाइज ये किसी हाई लेवल की बस्ती होती तो काम हो जाता खत्म हो जाता काम इसका। ये हरियाणा सरकार बार बार ये कह रही है कि मतलब अच्छी गलियां और अच्छा प्रशासन की तरफ से अच्छा सहयोग मिल रहा है हर नागरिक को बयानबाजी से काम नहीं हो जाता सिर्फ बयानबाजी है इनकी। अच्छा गरीबों के प्रति काम करके दिखाओ तो पता लगेगा और सभी गरीबों ने वोट दिया इनको। अच्छा। ये सोच के बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है बट मैं नहीं मानता क्योंकि ये जो हाई लेवल की सरकार है यार हाई लेवल के लोगों के काम करते गरीबों की तरफ तो देखती भी नहीं है और गरीब लोग बकाओ में आ जाते हैं और इसका परिणाम आ गया वो विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। आप एक बात बताओ ये शायद यही रास्ता है जो लड़कियों के स्कूल की तरफ जाता है आम रास्ता है पूरे गाँव का रास्ता है ये इसमें यहाँ से बैंक के लिए जाना हो तो इस रास्ता ये रास्ता है सामने गर्ल स्कूल है बच्चों का उसके लिए ये रास्ता है गांव में किसी काम के लिए जाना हो डॉक्टर के जाना हो अस्पताल में जाना हो तो ये रास्ता है अदरवाइज मैम या रोहतक के लिए जाना तो पूरे गांव तकरीबन इसी रास्ते को यूज करना पड़ता है। समस्या का समाधान प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो अभी देख लेगा तो सोचना चाहिए प्रशासन हम तो ये गुहार लगाएंगे कि प्रशासन के बारे में सोचे इसका समाधान निकाले यानी ये नहीं कि भाई ये कास्टबाजी करके ना काम करे मतलब उठ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। चलो ठीक है धन्यवाद।